किसी व्यक्ति की कहानी याद रखना। क्यों 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 रखना? बताओ बताओ जल्दी बताओ क्यों रखना? अभी तो जैसे उसको पता चलता है आप इसी गली में रहते हो, वैल्यू करना बंद कर देता है। और आप बोलो 200 किलोमीटर दूर रहता है वहां से। ओ अच्छा, आप जिस कॉन्टेस्ट को विन करना चाहते हो, चाहे आप मनाली जाना चाहते हो, चाहे आप थाईलैंड जाना चाहते हो, जहां आप पिन करोगे। दो दोस्त थे रामू श्यामू, और गणित में महान निकम्मे थे, गणित में महा कमजोर थे जैसा मैं हूं, बिल्कुल गणित जीरो। रिमेंबर ए पर्सन्स स्टोरी, किसी व्यक्ति की कहानी याद रखना। हेलो, सो रहे क्या? मैं फ्लो में पूछता हूं तो लोग ये भी कहते हैं हाँ सर सो रहे। किसी व्यक्ति की कहानी याद रखना। क्यों 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 रखना? बताओ बताओ जल्दी बताओ क्यों रखना? रिलेशन बनते हैं। ओके ओके, और बताओ, देख के प्रोत्साहित होता है और वो अपना बन जाता है। और स्टोरी से कहानी जल्दी समझ में आ जाती है। गुड, खुद रिलेट करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, और बताओ भाई। बहुत अच्छा, सीख मिलती है, कनेक्शन बनता है, मोटिवेट करता है, तो वहां से वो कनेक्शन में। वेरी गुड सर, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बताया, मजा आ गया। मूल तक नहीं पहुंच पाए, मूल विश्वास बनता है कहानी। वेरी गुड, अब सुनो मूल, मूल आप भी बोल लो भाई साहब, संघर्ष कर। वेरी गुड, अब सुनो मूल। किसी व्यक्ति की कहानी इसलिए क्योंकि अभी आपकी कहानी पे वो विश्वास नहीं करेगा, आपकी कहानी बनने में भी टाइम लगेगा, दूसरों की कहानियों से काम चलाना होगा। एक दिन आपकी कहानी जिस दिन चलेगी उस दिन लोग आपकी कहानी बोलेंगे, पहले दूसरों की फिर आपकी। अभी तो जैसे उसको पता चलता है आप तीसरी गली में रहते हो, वैल्यू करना बंद कर देता है। और आप बोलो 200 किलोमीटर दूर रहता वहां से। ओ अच्छा सर, आए आइए सर आइए सर, कुछ समझे? आप तो उसके सामने बैठे हो, आपकी कहानी टाइम लेगी। जब कोई दूसरा आके आपकी कहानी सुनाएगा, अभी उसको दुनिया की सबसे अच्छी कहानी तब लगती है जब कोई दूर बैठा हो। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इसका मतलब यह है किसी व्यक्ति की कहानी को याद रखो, एक मतलब। दूसरा मतलब जो आप सब लोगों ने बताया, जब भी कोई चीज समझानी हो और वो समझे तो कहानी, नहीं समझे तो जो चार पांच नाटक होते हैं ना प्लान के बाद, उन तीनों चारों की एक कहानी आपके पास चाहिए। वो समझ जाए तो वो कहानी, जो लोग दुनिया में पहल करते हैं, उन्होंने इतिहास रचा है, आपने इमीडिएट डिसीजन लिया, डिसीजन की कहानी। अगर वो ढीलू है, तीन फॉलोअप हो गए, समझ ही नहीं रहा, मानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, दूसरी कहानी। ना नट रहा है ना पट रहा है, दूसरी कहानी। मतलब जब भी इंसानों को प्रभावित करना हो, आप लोगों के दिलों पर राज करना चाहते हो, इस बिजनेस में लोग आपको भर भर के पैसे देवें, आप जिस कॉन्टेस्ट को विन करना चाहते हो, चाहे आप मनाली जाना चाहते हो, चाहे आप थाईलैंड जाना चाहते हो, जहां आप पिन करोगे वो वहीं पे होगा। कब? जब आप उसके लिए एक कहानी रखोगे। और कहानी मेहनत मांगती है। हेलो, पैसा इधर से आएगा? कहानी मेहनत मांगती है। एक कहानी मिल जाए तो बाहुबली मूवी बन जाती है। कहानी को ऐसे हल्का मत समझना, कहीं भी मिल जाएगी। कहानी पे मूवी बन जाती है हजारों करोड़ की। कहानी में दम है। मतलब हर बार जब आप अपने जीवन में किसी आदमी से मिलो, एक जबरदस्त घटना, एक जबरदस्त कहानी, एक जबरदस्त बात अगर आप उसको बता कर आए तो काम जबरदस्त होगा, काम जबरदस्त होगा। और आपको भांति भांति के लोग मार्केट में मिलते हैं। जब मुझे कोई मार्केट में ऐसा मिलता है जो ना नटता है ना पढ़ता है ना ना समझता है, तो मैं एक कहानी मार के आता हूं, आपको भी डेमो देता हूं। अगर कोई व्यक्ति है, मैं उसके तीन फॉलोअप कर चुका हूं, चार फॉलोअप कर रहा हूं, अब वो नहीं समझता तो मैं गाली दे नहीं सकता सिस्टम, उसको कुछ कह नहीं सकता सिस्टम, गर्दन पकड़ के जोड़ नहीं सकता सिस्टम, तो करे क्या? उसे उसी के हालात से रिलेट करने वाली कहानी जब सुनाते हो तो भिगो के
और पता भी नहीं चलता कि भिगो के सलटाया है और काम भी हो जाता है। दो दोस्त थे रामू शामू और गणित में महा निकम्मे थे, गणित में महा कमजोर थे जैसा मैं हूँ, बिल्कुल गणित जीरो, गणित हिसाब का पक्का है मैं, गणित का जीरो है, तो वो भी गणित में बिल्कुल जीरो थे। तो इंटरव्यू देने का नंबर आया तो गणित का इंटरव्यू, गणित में जीरो, बिल्कुल डंप। अब गए, सबसे पहले रामू गया और एग्जामिनर ने जिस तरीके से सवाल पूछा फंस गया। एग्जामिनर ने बोला, मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपको अचानक गर्मी लगे तो आप क्या करेंगे? उसने बोला, अगर आपको गर्मी लगी तो आप क्या करेंगे? कि साहब मैं खिड़की खोल दूंगा। कोट सही, मैं खिड़की खोल दूंगा। तो राजी हो गया एग्जामिनर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यही मैं खुलवाना चाह रहा था। अब आप बताइए, अगर इस खिड़की का क्षेत्रफल 1.5 स्क्वायर मीटर हो, इस डिब्बे का घनफल 12 घन मीटर हो और यह गति 80 की गति से पश्चिम दिशा में ट्रेन दौड़ रही हो और हवा की गति का जो वेग है वो गति वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो दक्षिण की दिशा से, तो डिब्बा कितनी देर में ठंडा होगा? नहीं पता। यू आर फेल, आप फेल हो गए, बाहर जाइए। वो बाहर निकल के सबको बता दिया, अरे शामू साला ये सवाल पूछा है, बहुत खतरनाक है, तैयारी करके जा। अब शामू से क्या तैयारी होती, लेकिन जितनी हो सकती थी हुई। अंदर गया, मान लीजिए आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और आपको अचानक गर्मी लगी तो आप क्या करेंगे? मैं कोट खोल दूंगा। और भी गर्मी लगी तो क्या? मैं शर्ट भी खोल दूंगा। और गर्मी लगी, मैं चड्डी भी खोल दूंगा। और गर्मी लगी, मैं साला मर जाऊंगा लेकिन मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, मैं खिड़की पकड़ में आया। कई कलमुए होते हैं ना, मेरे अभी टाइम नहीं है, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरा मकान बन रहा है, अभी मेरे बच्चों की शादी होना बाकी है, अभी मेरे तो ये साले सब खोल देंगे लेकिन ये जुड़ेंगे नहीं। ऐसे कलमुए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मार्केट में जब ऐसे मिले तो ऐसी कहानियां सुनाओ, आपको जरूर पैसे देंगे, ऐसा मेरा यकीन है। नहीं तो साला खिड़की खुलवाओ, आप कैसे भी खिड़की खुलवाओ, खिड़की खुले बिना नहीं आएगा। जंपिंग थ्रू द विंडो इसी को बोलते हैं, आपको ड्रीम की खिड़की खुलवानी होगी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? टेंशन तो नहीं है? सब ठीक है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड।